दोस्तों स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज शेख। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूँ कि आप जनरली आपने यूज किया होगा कि एक कप कोई सामान चाहिए या एक टी स्पून चाहिए, टेबल स्पून। मैं इसका हिंदी भी बता देता हूँ, टी स्पून का मतलब क्या होगा, टेबल स्पून का मतलब क्या होगा, पिंच का मतलब क्या होगा, मैं इन सबका हिंदी भी सबसे पहले आपको बता देता हूँ। एक कप तो आप जानते हो, जनरली आपने यूज किया होगा कि हाँ कि एक कप मुझे कुछ चाहिए, पर कितना क्वांटिटी होगा एक कप ये शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एक कप कितना हो, कितना क्वांटिटी किसी चीज़ का होगा कि एक कप हो जाएगा, एक टीस्पून होने के लिए कितना चाहिए। तो कप तो आप जानते हैं, कप को हिंदी में भी मतलब कप ही मान लो आप, टीस्पून, टीस्पून अगर हिंदी में इसको कहें तो छोटा चम्मच, छोटा या छोटी चम्मच आप जो भी कहो, छोटा चम्मच से जो भी चीज़ होगा वो आपका टीस्पून कहलाएगा। जैसे कि आपने चाय पिया होगा तो उस समय आप लोग जो टीस्पून का यूज करते हैं ना, छोटे चम्मच वाले का, टेबल स्पून यानी बड़ा वाला चम्मच, बड़ा वाला चम्मच। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं बड़ा वाला चम्मच का मतलब कुछ वेजिटेबल बनाने में या किसी और भी काम में हम लोग बड़ा वाला चम्मच का यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेबल स्पून कहते हैं। और पिंच, पिंच हिंदी में आप कहें तो चुटकी, एक चुटकी, या फिर वन पिंच कहे तो एक चुटकी हो गया, टू पिंच कहे तो दो चुटकी हो गया, यानी जो आप अंगुली से अगर आप कहें तो इस तरह से हो गया आपका चुटकी हो गया। उसके बाद एक गैलन, आपने गैलन भी यूज़ किया होगा कि हाँ एक गैलन मुझे कुछ चाहिए, एक गैलन एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी होना चाहिए, एक गैलन होने के लिए, एक टीस्पून होने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए, टेबल स्पून होने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना क्वांटिटी होगा, तब जाके एक कप होगा, टीस्पून कब होगा, टेबल स्पून कब होगा। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं इसका कोई मेजरमेंट यूनिट में हम लोग कह सकते हैं कि चलो ये हमारा जनरली जो हम लोग यूज करेंगे जो है किचन यूनिट कन्वर्सन के लिए, किचन यूनिट कन्वर्सन, क्योंकि आप देख सकते हो जनरली जो ये कप ये सब जो बोलते हैं हम लोग जो है किचन वाले काम में ही बोलते हैं कि हाँ एक कप चाहिए कोई चीज़। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों एक कप एक टीस्पून और एक टेबल स्पून का हमने जो यहाँ पे लिखा है, तो आप देख सकते हैं एक कप बराबर जो है किसी चीज़ का 250 ml होना चाहिए एक कप होने के लिए। अगर हम किसी को कहते हैं कि एक कप ऑयल चाहिए तो इसका मतलब ये होता है कि 250 ml होना चाहिए, तब जाके वो एक कप उसका मेजरमेंट होगा। अगर एक टीस्पून की बात करिए यानी छोटे वाले चम्मच के बारे में, हमने लिख दिया है पहले कि टीस्पून का मतलब आपका छोटा वाला चम्मच हो गया, तो एक टीस्पून का मतलब हो गया 5 ml होना चाहिए, 5 ml ऑयल हो या कुछ भी 5 ml हो, कोई भी लिक्विड हो या लिक्विड अगर हुआ, अगर 5 ml हो जाता है इसका मतलब कि एक टीस्पून। अब जनरली आपने डॉक्टर को देखा होगा कहते हुए, या फिर आप मेडिसिन में आपने देखा होगा सिरप पे लिखा हुआ कि 1 teaspoon हमको लेना है, फिर या 2 teaspoon लेना है दो टाइम, तो 2 teaspoon कहने का मतलब 5 ml प्लस 5 ml 10 ml हमको लेना है उस मेडिसिन को। अगर 1 teaspoon कहता है तो इसका मतलब है कि 5 ml जो है आपको लेना है। इसी तरह से 1 tablespoon यानी बड़ा वाला चम्मच, बड़ा वाला चम्मच होता है आपका 15 ml, 15 ml अगर किसी चीज़ का क्वांटिटी होता है इसका मतलब कि वो 1 tablespoon हो गया, यानी बड़ा वाला चम्मच में 15 ml का मेजरमेंट हम लोग लेते हैं। उसके बाद इन द सेम वे हमने बताया था कि पिंच के बारे में बताएंगे कि 1 pinch कितना होगा, 1 pinch, 1 pinch जो आपका होगा कि मतलब 1/8 ऑफ टीस्पून, 1/8, यानी आप देख सकते हैं कि मतलब ये एक टीस्पून का जो आठवां भाग है, यानी अगर सपोज कि मेरे पास एक पिंच अगर हम लोग कहते हैं यानी 5/ ये 5 ml देख सकते हैं 1 teaspoon का वैल्यू कितना है 5, और एक पिंच बराबर कितना है 1/8 टीस्पून। तो सिमिलर वे में हमको क्या करना है, 5/8 ml या फिर mg आपका जो हो किसी चीज़ में, आपने एक पिंच यानी एक चुटकी जो आपका होगा कि एक टीस्पून का आठवां भाग जो है, आठवां भाग में से जो आपका एक भाग जो बचेगा वो आपका एक पिंच हो गया। जरूरी नहीं यहाँ पे हमने ml से बताया, अगर mg भी होगा यानी मिलीग्राम भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई पाउडर की तरह होता है कोई भी चीज़, तो एक पिंच अगर हम लोग लेंगे जो है यानी 5 मिलीग्राम हो या फिर जो भी हो, तो उसका आठ भाग में से एक भाग जो आपका होगा वो आपका 1 pinch हो जाएगा। और लास्ट वन जो एक बच रहा है गैलन, एक गैलन होने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए होगा, 1 gallon। तो इसमें दो तरह का हम लोग के पास यूनिट है, एक US और UK यूनिट। तो हम लोग जो जनरली कंसीडर करेंगे
3.78 लीटर आपका एक गैलन होगा, जो कि हम लोग यूएस गैलन में अगर हम लोग लेते हैं तो आपका 3.78 लीटर होगा। इन द सिमिलर वे अगर हम लोग लेते हैं यूके गैलन में तो आपका 4.54 लीटर यूके गैलन। तो जनरली हम लोग इंडिया में जो कंसीडर करते हैं आप ये यूएस गैलन को ही कंसीडर करें। 1 गैलन अगर कोई पूछता है इसका मतलब 3.78 लीटर गैलन हो गया। ये यूके गैलन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, जनरली हम लोग जो प्रीफर करते हैं यूएस गैलन। 1 गैलन इज कल 3.78 लीटर। और मान लो दोस्त कि आपके पास इतना सारा वैल्यू दिया गया है कि 1 कप इजकल टू 250 ml, 1 टीस्पून इजकल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून इजकल टू 15 ml, तो आप इस डेटा से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमसे अगर कोई पूछता है, मान लो कि कोई क्वेश्चन हमसे कोई टैग कर दिया कि बताओ कि 1 टेबल स्पून बराबर कितना टीस्पून होगा, यानी एक बड़ा चम्मच का जो क्वांटिटी आता है वो छोटे चम्मच कितना छोटा चम्मच जरूरी होगा उतना क्वांटिटी को पूरा करने के लिए, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून 15 ml है, और 1 टीस्पून क्या होगा। मेरा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि टीस्पून कितना होगा 1 टेबल स्पून में, तो आप इसी डेटा को देख करके आप आंसर को दे सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 टेबल स्पून 15 ml का, 1 टीस्पून 5 ml का, यानी 5 या 15, यानी 15 को पूरा करने के लिए 5 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 15 ml हो गया। तो यानी 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 3 टी स्पून। तो आप इस तरह से किसी का भी कन्वर्सन ले सकते हैं इन द सिमिलर वे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 कप इजकल टू कितना टीस्पून होगा। तो कुछ भी नहीं करना, यानी 250 / 5 कर देना। अगर हमसे कोई पूछता है कि सपोज यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन भी एक बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। कि अगर हमें कोई कहता है कि 1 कप बराबर कितना टीस्पून होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये टेबल को आपको सिर्फ याद रखना है कि 1 कप में मेरा कितना था, यानी 250 ml, 250 ml इज इक्वल टू टीस्पून मेरा कितना होता है 5 ml, 5 ml ये क्या है 5 ml टीस्पून है। अगर मान लो टीस्पून तो 250 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, यानी टीस्पून कितना हो जाएगा 250 / 5। ये देख सकते हैं 50 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, इट मींस 50 टीस्पून हो गया मेरा टीस्पून, यानी 50 टीस्पून बराबर मेरा कितना हो गया 1 कप हो गया। 1 कप इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर कि 1 कप इज इक्वल टू 50 टी स्पून। तो आप इसी तरह से सिर्फ इसी डेटा को आप देख करके जो है आप किसी का भी निकाल सकते हैं वैल्यू। कि अगर आपसे कोई पूछ देता है कि 1 कप में कितना टेबल स्पून हो गया, यानी 1 कप में कितना बड़ा वाला चम्मच का हम लोग क्वांटिटी डाले कि 1 कप पूरी जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, 250 डिवाइडेड 15 कर देना है, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका टेबल स्पून का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप गैलन का भी कर सकते हैं, 3.78 लीटर है, ml है तो आप उसको लीटर में जो है आप कन्वर्सन कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों यह जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो किचन यूनिट कन्वर्सन हम लोग कह सकते हैं कि ये किचन यूनिट स्पेशली जो है ये किचन यूनिट कन्वर्सन हो गया। तो आई होप कि मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।